दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10 दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10 फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेलतशस्सर भी कहलाता है एक बात प्रकट की गई और यह बात सच है कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और इस देखी हुई बात की समझ उसको आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को मैं हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था। तब मैंने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे। उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल लड़खड़ाते बकैया बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहना चाहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाने की ओर मन लगाया उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान तो 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल नाम जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए फारस के राजाओं के पास मेरे रहने का प्रयोजन न रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो तूने दर्शन पाकर देखा है वह कुछ दिनों के बाद फलेगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने मुंह भूमि की ओर किया और चुपका सा रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझमें कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने फिर मुझे छूकर मेरा हियाव बांधा और कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव दृढ़ रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बांधा है।
उससे कहा, मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? क्या तू जानता है कि अब तो मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूं, और उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला कोई भी नहीं है।